हाँ दोस्तों, मैं हूँ देवतन अग्रवाल। आप देख रहे हैं देवतन अग्रवाल एसे टेलीकॉम चैनल, और यहाँ पर मैं आपको कुछ आज अनाउंस करना चाहता हूँ एसे टेलीकॉम की तरफ से। हम बहुत दिनों से पहले से एक विंडो पे काम कर रहे थे। एक्चुअली ये विंडो बहुत पहले मार्केट में आ चुका है, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ही लेके आया हूँ पहला विंडो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये विंडो हम लेके आए उन टेक्नीशियंस के लिए जो सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं और जो अभी सीख रहे हैं, जो प्रो नहीं है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप एक सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं और आपको ऑलरेडी बहुत अच्छा नॉलेज है, सारे ड्राइवर आपको डालने आते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं पड़ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो लोगों के लिए जो सॉफ्टवेयर में ड्राइवर्स को फेस कर रहे हैं, टूल्स को फेस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सॉफ्टवेयर में वो चला नहीं पाते हैं। कई बार बहुत सारे ड्राइवर्स के अलावा भी मसले होते हैं, जैसे कि नेट फ्रेमवर्क का भी एक एरर आता है, कई टूल्स इंस्टॉल नहीं होते हैं, क्रैक चलते नहीं हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ड्राइवर हमेशा बार बार इंस्टॉल रीइंस्टॉल करना पड़ता है, तो ये क्यों होता है। हालांकि ये करते करते तो बंदा सीख जाता है, पर अगर आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं और इसका कोई सलूशन नहीं मिल पा रहा है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम एक विंडो लेकर आए हैं जो कि खास एसर टेलीकॉम के लोगों के साथ आया है। तो ये ऑफिशियली विंडो हमारे लिए हमारा ही है, मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि हमने किसी को कॉपी किया ऐसा। ऑलरेडी और भी लोग बेच रहे होंगे, मुझे नहीं पता कौन बेच रहा है, बट ये है कि ये जैसे ही मैंने इसके बारे में पता किया, तो ये मैंने खास तौर पे अपना एक ऑफिशियल लोगो के साथ बनवाया है। क्योंकि जैसे ही ये विंडो, आप एक विंडो 7 है दोस्तों, जो फिर मोबाइल टेक्नीशियंस के लिए, जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको मेरा लोगो दिखाई देगा एसर टेलीकॉम का, और जैसे ही आप इस विंडो पर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर मेरी फोटो और जो इसके सपोर्टिंग जो इसको सपोर्ट किए हैं जो बंदे, उनका नाम और नंबर होगा। तो चलिए ले चलता हूँ उस विंडो को दिखाने के लिए। उन विंडो को हम काफ़ी 2-3 दिनों से टेस्ट कर रहे हैं, और सच बताइए कि जितनी भी जो ड्राइवर जो हमें एक नेसेसरी होते हैं, वो ड्राइवर बेसिकली उस सारे में ऑलरेडी प्री इंस्टॉल हैं। बहुत सारे टूल्स हो गए, बहुत जो मिरिकल से क्रैक हो गए हैं या जो भी, उसमें अगर हमें एक चाहिए, और एक तो विंडो 4 फास्ट चलता है, उसमें कोई बग्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मुझे लगता है कि अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो ये टेक्नीशियन वाला विंडो यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि इसमें ADB के ड्राइवर से लेकर LG, मोटरोला, सैमसंग सारे ड्राइवर इसमें ऑटोमे 99% सारे ड्राइवर ऑलमोस्ट सब दिए हुए हैं। तो चलिए ले चलता हूँ, मैं आपको ले चलता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर है ये मेरा विंडो और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसको। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऑफिशियली हमारा लोगो, और उसके साथ में जो इनको सपोर्ट किए हैं आपको उनका नाम दिख जाएगा। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों कि मैं ZX मलिक को प्रमोट करता हूँ। प्रमोट क्या है कि मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपको कहीं से अगर आपको टूल्स लेने हैं तो ZX मलिक से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं बताता हूँ कि ZX मलिक के आप टूल खरीदिए, वो काफ़ी जेन्युइन बंदा है और वो किसी दुकान पर काम करने वाला नहीं है, एक अच्छा ऑथराइज डीलर है। और हमेशा हमें नए लोगों को बहुत मौका देना चाहिए दोस्तों, और ताकि वो आगे आए और भी अच्छा काम करके हमें दिखा सकें। 64-bit प्रोसेसर विंडो 7, तो ये 64-bit प्रोसेसर में चलता है विंडो 7, क्योंकि विंडो 7 में 32-bit प्रोसेसर किसी काम का नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे ऑलमोस्ट सारे सॉल्यूशंस, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर हमें बात करेंगे डॉक्टर फोन का भी एक अच्छा खासा क्रैक यहाँ पर डला हुआ है, नहीं तो क्या होता है, हम क्रैक डालते। देखिए डॉक्टर फोन का भी एक अच्छा खासा यहाँ पे आपको क्रैक देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे मिल ही रहा होगा। ये देखिए, तो यहाँ पे आपको आप यहाँ से रिकवर कर सकते हैं, पासवर्ड अगर आपका लॉक लगा हुआ है अनलॉक कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, डाटा ले सकते हैं, आईफोन का डाटा एंड्रॉयड में डाल सकते हैं, एंड्रॉयड का डाटा आईफोन में डाल सकते हैं। बहुत सारी अच्छी चीज़ है डॉक्टर फोन में, और उसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, LG, साउमी, या फिर हम होबाबे की बात करें, या वंदर शेयर डला हुआ है इधर। और दोस्तों इधर क्या बताऊं कि इसमें क्या क्या नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। बहुत स्मूथ विंडो चलता है ये यहाँ पर। जैसे यहाँ पे आपको देख रहे होंगे टूल्स, तो देखिए यहाँ पे आपको जो टूल्स दिख रहे होंगे इसमें, देखिए बहुत सारे टूल्स ऑलरेडी इसमें आते हैं। अगर हम बात करें HTC का, ये एक ऑफिशियली यहाँ पर आपको मिल जाएगा टूल, जिसमें आप HTC की जो फर्मवेयर .image फाइल होती हैं, जो जिप फाइल होती है, आप उनको फ्लैश कर सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये टूल आपके लिए काफ़ी अच्छा है, ये विंडो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, हेल्पफुल है ये विंडो। और अगर हम यहाँ डालते हैं मेडिकल का, अगर क्रैक हो गया ऑलरेडी डला हुआ है, LG हो गया, ओडिन हो गया, ओडिन के काफ़ी इसमें वर्जन हो गए, और यहाँ तक कि इसमें लेटेस्ट भी डला हुआ, आप थोड़ा देख रहे होंगे कि 3.13 का एक वर्जन यहाँ पर डला हुआ है। और SPD के टूल हो गए यहाँ पर, रिसर्च एंड अपग्रेडेड SP फ्लैश टूल हो गए,
और भी बहुत कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। सारे ड्राइवर ऑलमोस्ट इसमें कनेक्टेड है दोस्तों। और अगर मैं फास्ट बूट की बात करूं, मैं किसी की बात करूं तो बहुत अच्छा है। सो अगर आपको ये विंडो चाहिए, ये विंडो हम यहां पर फ्री नहीं दे रहे, मैं पहले ही बता देता हूं, ना ही हम इस विंडो की कोई ऐसी लिंक दे रहे हैं। हाँ, हो सकता है आपको ये विंडो किसी लिंक में फ्री में भी मिल रहा हो, हो सकता है आपको कहीं और कोई भी दे रहा हो, तो इससे हमारे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऑफिशियली एसे टेलीकॉम से इसको परचेस करना है, सो आपको ये 2000 रुपये में विद पेन ड्राइव आपको मिल जाएगा, इंक्लूडिंग कुरियर चार्जेस। ये दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए और आप लिखिए वहाँ पे कि सर हमको विंडो चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये विंडो चाहिए तो ये दिए दो नंबर आपको दिख रहे होंगे, आपको इन दो नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और ये विंडो के लिए आप इनको पूछ सकते हैं। ये विंडो फ्री नहीं है, पर बहुत कम इसकी हम आप अमाउंट ले रहे हैं, विद बूटेबल पेन ड्राइव ये आपको देंगे, कोई भी लिंक नहीं है। और दोस्तों सच बताऊं कि अगर आपको कोई लिंक दिखाई भी देती है और आप वहां से डाउनलोड भी करते हैं तो थोड़ा संभल के रहिएगा, क्योंकि अक्सर लोग ऐसी लिंकों के पीछे वायरस रख देते हैं और आपके कंप्यूटर में रैमसम वायरस, बहुत ही खतरनाक वायरस है दोस्तों। और ये जो वायरस है इतना खतरनाक है कि आपकी सारी फाइलों को ये लॉक कर देता है और फिर आपको अपना डाटा डिलीट ही करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी अभी तक एंटीवायरस ऐसा नहीं आया है जो रैम को हटा सके। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, ये अपडेट है एक एसे टेलीकॉम की तरफ से। अगर आपको मैं इसको रीस्टार्ट करके दिखा देता हूं आपको, हालांकि जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो भी हमारा आपको लोगो दिखाई देगा एसे टेलीकॉम का। तो देखिए ये एप्पल का भी पूरे ड्राइवर सपोर्ट करता है, ये एंड्रॉयड के पूरे ड्राइवर सपोर्ट करता है, या ब्लैकबेरी के, ये विंडोज के पूरे ड्राइवर सपोर्ट करता है। ये केबल बना है टेक्नीशियंस के लिए, तो ये आपको मिल जाएगा बूटेबल पेन ड्राइव में बहुत कम अमाउंट में। आप हमें मैसेज करें, आपको हम ये आपके कुरियर में बूटेबल पेन ड्राइव भेज देंगे विद पेन ड्राइव। 16 GB की पेन ड्राइव आपको हम भेजेंगे इसमें, क्योंकि ये कम से कम 7 से 10 GB का प्रोग्राम है। इसको एक ईरान के कोडर है, उन्होंने बनाया है खास स्पेशली, और इसको हमारी तरफ से और हमारे लिए रीडिजाइन किया हुआ है, क्योंकि इसमें हमारा लोगो आता है। बहुत सारे लोग और भी ये बेच रहे होंगे, बट अनऑफिशियली है, और यहाँ एक ऑफिशियली है, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि ये इस पर आपको मिल जाएगा एसे टेलीकॉम का लोगो। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि मैं किसी से कंपटीशन नहीं करता हूं, ना ही मैं किसी के बारे में बोलूंगा, सब बहुत अच्छे हैं। और भी अगर ये आपको कोई नीचे अगर आप कमेंट लिखने के बारे में सोच रहे हैं कि यार ये तो हमारे पास बहुत पहले से है या बेकार है वो है, तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं, ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको ये बात नहीं पता है, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट किसी एक जन के लिए वीडियो कभी नहीं बनाता है, वो हमेशा दुनिया के जो भी लोग नए से नए लोग उसको मिल सकें उनके लिए वो वीडियो बनाता है। तो अगर आपको लगता है कि सिर्फ वीडियो आप लोगों के लिए ही बनते हैं, प्रो लोगों के लिए, तो मुझे लगता है कि ये सोच बदलनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप भी कभी शुरुआत में जब आपने स्टार्टिंग की होगी तो भी फ्रेशर हो गए और आपको भी ये चीज़ पहली बार ही पता चली होगी, तो इसलिए आप उनको भी मौका दें और प्रो बनने का। और मैं कहना चाहता हूँ अगर आपको ये विंडो पसंद है तो आप इसको हमसे ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आपने क्या क्या किया यहाँ पर? तो सर मैंने सबसे पहले इजीटेक पूरा समझा, यूजेट और उसके बाद यूफाई समझा, और इजीटेक में कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है मैन्युअली, और यूफाई में ऑटोमेटिकली कैसे की जाती है, और इसमें आईसी पेस्टेड निकालना, ब्लैक पेस्टेड, नॉर्मल पेस्टेड, जंप, माइक्रो जंपर, और ए टू जेड जो प्रोग्रामिंग के जैसे होता है वो दौरान होता है वो हमने सीखा है। हम लोग सबसे पहले आए तो यहाँ पर हम लोग आईसी रिवॉल्विंग करना सीखा, और उसके बाद टेस्टिंग वगैरह हम लोग को सर बताए, और इतना अच्छा से बताए कि हम लोग के दिमाग में बस गया कि क्या होता है पैरेलल और सीरीज के बारे में। सबसे पहले की बात कि पैरेलल और सीरीज के बारे में जो जानता है वो तो एक्सपर्ट है, लेकिन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर करने के बाद अगर आपको लगता है कि एएमसी में हम कर सकता हूँ, उसके लिए आप हो गए हैं, तो एशिया टेलीकॉम उसके लिए बहुत अच्छा है। और बस, और मैंने जो एएमसी में ये सब सीखा उसमें मेरा डम फाइल बूट पार्टीशन क्या होता है, एएमसी को ब्लैक पेस्ट और वाइट पेस्ट मेरे कैसे निकालते हैं और कैसे लगाते हैं, ये मैंने सब सीखा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे मोबाइल बनाया है अपना? हाँ, मैंने एक पे सैमसंग का मोबाइल मेरा अपना खुद बनाया जिसमें बूट मेरा डेड हो गया था, तो मैंने सर से किया और सबसे पहले दिन बन गया। हाँ, सबसे पहले दिन वो मैंने आपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यहाँ से किया, आपने यूएमसी भी यहाँ से किया, ईएमसी यहाँ से क्यों करने की इच्छा हुई आपकी? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करने के बाद क्या लगा कि ईएमसी का नॉलेज पहले नहीं था, हार्डवेयर में इतने पक्के बन गए या इसलिए मतलब ईएमसी में अब टॉप बन जाए? अच्छा, टॉप बन जाएंगे। आपने जो 2 दिन में क्या क्या सीखा वहाँ पे, एक मोटा मोटा बताओ। ये प्रोग्रामिंग पूरी सीखी, प्रोग्रामिंग, यूएफआई पार्टीशन आया, फाइबर पार्टीशन सब हो गया, मतलब यूएफआई का काम या जेटेक का काम हम कर सकते हैं। हाँ सर, और आईसी रिबोलिंग तो हमने पहले से पहले और हमने अपने आपको मजबूत किया होगा,
और प्लस हमने प्रो उसके साथ आईसी पेस्टेड आईसी निकाला इनसे करना बहुत जरूरी है। जैसे आज तुमने बताया कि एक दो साल से तुम वहां रखे हुए उसका क्या प्लस नहीं हो पा रहा था वो हैंगिंग लोगों में था मुझे दो साल से रखे हुए थे मैं सोचा की वही जाके इसको सही करूंगा और लेकिन ये मेरा पूरा हो गया मतलब ये सौभाग्य कि इन्होंने फ्लैश किया। अच्छा आपको मैं खुद सर उसमें ट्रेस किया और खुद मैं उसमें सॉफ्टवेयर चलाया। अच्छा प्रोग्रामिंग किया फिर उसे रिबॉलिंग किया रिबॉलिंग करके किससे किया यूएफआई से जेटेक्स से जेटेक्स से किया। आपको क्या लगता है यूएफआई आप कौन सा बॉक्स लेंगे यूएफआई की जेटेक्स सर मेरे लिए तो दोनों सही है दोनों ही बेस्ट है आपके लिए। सर मैं चार महीने से सर वीडियो देख रहा हूँ आपका इंतजार कर रहा हूँ 2 बजे रात को मैं सोता हूँ आपके वीडियो देखने के बाद। अच्छा जी ये मैं 4 महीने से कंटिन्यू कर रहा हूँ तो अब मैं यहाँ आने का एक एक दिन का इंतजार कर रहा था आप मुझे बहुत खुशी हुई कॉइल सैमसंग में सीरीज में कॉइल लगा होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको मैं एक आईफोन दे दूं और आईफोन में BSI ओपन है तो उसका बना सकते हैं बना सकते हैं मेन जो कंपोनेंट्स उसमें मिलने वाले हैं उसका नॉलेज है हम दूसरे कंपोनेंट्स को छोड़ के सिर्फ उस लाइन पे वही कंपोनेंट्स जोड़ेंगे तो हमें जल्दी मिलेगा। आपको अगर सर्किट डायग्राम की या बात करें पीबी पढ़ना आएगा कि नहीं आएगा आईफोन का पीबी सप्लाई आईफोन का पीबी अभी सर ने हमको पिछले 2 दिन में ही सिखाया है और मुझे सिखा दिया है तो मतलब सब लोग तो कोई भी सीख सकता है यहाँ पर आके क्योंकि मैं यहाँ से आने के पहले कभी आयरन भी नहीं पकड़ा अपने हाथ। अच्छा आप बिल्कुल फ्रेशर है कभी आयरन नहीं पकड़ा है सर। अच्छा यहाँ पर मैं इतना सोच के आया था कि सिर्फ मैं डिस्प्ले लगाना सीख लूंगा तो बहुत हो जाएगा मेरे लिए करके लेकिन मेरे साथ इतने अच्छे सर लोग हैं इतने अच्छे सीनियर्स हैं कि मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ 4 दिनों में। बहुत अच्छी बात है। आपने यहाँ पे CPU लगा के चालू किया है सर 1 टाइम नहीं हुआ 2nd टाइम हुआ 3rd टाइम में सर ने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया और 3rd टाइम में मैंने पूरे ग्राफिक्स वाले मोबाइल को 1 टाइम में CPU लगा। रिसीवर की लाइन है और उधर आपको क्या क्या कंपोनेंट मिल सकते हैं सर रिसीवर की लाइन में सर हमको 2 गार्ड मिल सकते हैं 2 सिक्योरिटी गार्ड मिल सकते हैं ठीक है 3 पानी पिलाने वाले हो सकते हैं तीसरा वाला पानी पिलाने वाला कैसा लगा होगा सर वो 2 लाइनों के बीच में पहला लगा होगा वेरी गुड। और फिर उसके बाद में क्या उसके बाद सर हम मैनेजर से मिलेंगे मैनेजर से पर पहले एक और चीज लगी होगी वहाँ पर चप्पल चप्पल हाँ सर चप्पल मैनेजर से पहले क्या लगा होगा चप्पल लगी होगी वेरी मच। और इसके साथ में इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था वो मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला मैकेनिक नहीं होता जो जिसका वो अंदर का ट्रैक उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। तो अब मुझे ये बताओ कि तुम सेटिस्फाई हो यहाँ से तो बहुत सेटिस्फाई जब हम सीखे तो बहुत कुछ हम बहुत जगह ठके भी हैं ऐसा नहीं है कि लोग मुझे ठगा भी है लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला और जब मैं यहाँ आया तो मुझे बहुत कुछ मिला। कि अपने सेक्शन हुआ भी नहीं है सेक्शन का हुआ है क्या अपना फिर भी स्पीकर में अगर मैं बोलता हूँ तुमसे कि किसी भी फोन का नीचे की बॉटम कनेक्टर टूटा हो वहाँ तो कर देंगे सर अच्छे तरीके से। अच्छा B2B केबल टूटा हो ICO के आसपास के कंपोनेंट से तुम स्पीकर बजा दोगे ये तुमने यहाँ कुछ प्रैक्टिकल किया है यहाँ मोबाइल में कुछ लाके डिफरेंट करना चाहता था जो एडवांस लेवल का हो वो नहीं वो तो IC लगाने वाले वो बैठे हैं वो नहीं कुछ डिफरेंट जो वाट फाइंडिंग आती है वो मेरे से मोबाइल वापस ना जाए शॉप से ऐसी तो यहाँ पर आपको मिला चलिए ठीक है थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने मेरी बुक जो मोबाइल फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर पर मैंने बनाई है उसको आपने परचेस किया होगा। दोस्तों इसको परचेस कीजिए इसमें मोबाइल फ्लैशिंग का बहुत सारा ज्ञान है और इसमें से बातें लिखी नहीं गई हैं इसमें चित्रों के साथ में बताई गई हैं स्टेप बाय स्टेप कि अगर कोई ड्राइवर किस तरीके से आप इसको ड्राइवर डाल सकते हैं कौन से CPU की किस तरह से पहचान होती है या फिर मोबाइल में किस तरह से फ्लैशिंग की जा सकती है तो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इस बुक को खरीदने के लिए आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपने मेरे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स डाउनलोड करने हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए लिखिए देवत्न अग्रवाल और मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो सर्च करना है तो YouTube में जाइए लिखिए देवरत्न अग्रवाल या लिखिए एशिया टेलीकॉम। दोस्तों ज्ञान असीमित है ये आप पर है कि आप उसको कितना पाना चाहते हैं। थैंक यू मित्रों है सरंजी नवीन बुक जो है एडवांस मोबाइल चिप लेवल रिपेयरिंग सीखिए हे दातागे वन झालेला आहे हे तुम्हाला घ्यायचं असेल तर हे तुम्हाला ऑनलाइन भेटेल। या व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला एक लिंक दिलेली आहे त्या लिंकला क्लिक करा आणि तुम्हाला हे तुरंत परचेस करता येईल।
अच्छा बुक मॉडल तुम्हारा जो है तो पूरा डिटेल जो तुम्हें काम करता है जो नहीं करता है कंपोनेंट लेवल। हमारी एप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें, एशिया टेलीकॉम लिखें और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग एप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफी एप्स हैं जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफी एप्स आपको मिल जाएंगे। इसको इन एप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। An ISO 9001 and 2008 Certify Institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. Yeah.